चुनाव की तिथियां जैसे जैसे नजदीक आती जा रही हैं, वैसे वैसे प्रत्याशियों और मतदाताओं की हलचलें बढ़ती जा रही हैं। आज एतमादपुर नगर में ईद का त्योहार था, लोग एक दूसरे से गले मिल रहे थे। जनता के चहेते एवं नगर पालिका अध्यक्ष पद के प्रत्याशी डॉक्टर सुरेश कुशवाहा जब ईद मिलन समारोह में पहुंचे तो मुस्लिम भाइयों के चेहरे खिल गए। जब सपा प्रत्याशी ने मौलानाओं और मुस्लिम भाइयों के सर पर सम्मान का स्वापा बांधा तो उन्होंने भी डॉक्टर सुरेश कुशवाहा को गले लगाया और स्वापा बांधकर जीत का आशीर्वाद दिया। डॉक्टर सुरेश ने कहा कि मुस्लिम भाई समाजवादी पार्टी के सच्चे सिपाही हैं और हमेशा रहेंगे। उन्होंने कहा कि मैं नेता नहीं हूँ, एतमादपुर की सम्मानित जनता का छोटा सा सेवक हूँ और हमेशा सेवक बन के ही रहूँगा। एतमादपुर का विकास और भाईचारा ही मेरी सच्ची पहचान होगी। मुझे सभी वर्ग और जातियों का आशीर्वाद मिल रहा है। एतमादपुर नगर का डॉक्टर सुरेश कुशवाहा सेवक, जनता का पूरा सेवक, मैं ईद मिलन मुबारक मुसलमान भाइयों को मैंने ईद मुबारकबाद दी और सब स्वापा पहना कर उनका स्वागत किया और सम्मान में उन्होंने भी मुझे स्वापा पहना के सम्मान दिया और मौलाना भाइयों ने मुझे आशीर्वाद दिया और भरोसा दिया कि आपका हम आपको हमेशा के लिए आशीर्वाद देंगे और कद से कद मिला के आपके साथ चलेंगे हम। और मुस्लिम भाई सपा के सच्चे समाजवादी पार्टी हैं, पार्टी मतलब समर्थक हैं और वे उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया है कि हम पार्टी को छोड़कर कहीं नहीं जाते। और एतमादपुर किस किस का समर्थन मिल रहा है आपको? एतमादपुर में मुझे सभी जाति धर्म का मुझे आशीर्वाद मिल रहा है, वैश्य समाज, ब्राह्मण समाज, ठाकुर समाज, जैन समाज, बिहार समाज, दिवाकर समाज, नाई समाज, मुस्लिम समाज, बघेल समाज, कुशवाहा समाज और बिहार समाज, मुझे सभी जाति धर्मों का मुझे बहुत तन मन धन से आशीर्वाद मिल रहा है और मैं नेता नहीं हूँ, मैं जनता का सेवक हूँ और सेवक की तरीके से अपना विकास कार्य कराऊँगा। जनता अगर मुझे हाथ जोड़ से उनसे निवेदन करता हूँ कि जनता मुझे पूरा आशीर्वाद दे और जनता से मैं नमन करता हूँ, उनके पैरों की धूल चरणों की धन अपने माथे पर हमेशा के लिए सजा के रखूँगा। सभी जनता जनार्दन को मैं अपना नमन करता हूँ।